धर्मांतरण पर मचे बवाल की। पलामू में छत्तीसगढ़ की महिला के धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों के समर्थन में पाकी विधायक शशिभूषण मेहता उतर आए हैं और आकांक्षा को उसके परिजनों को सौंपने की मांग की है। वहीं पलामू एसपी ने कहा है कि मामला सूरजपुर का है, ऐसे में सूरजपुर पुलिस मामले की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ की महिला का पलामू में धर्मांतरण, महिला के पिता ने पाकी विधायक से लगाई गुहार। धरने पर बैठे पिता और भाई, समर्थन में उतरे विधायक। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की एक शादीशुदा महिला का पलामू में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आकांक्षा मिश्रा के पिता ने पाकी विधायक से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि आकांक्षा मिश्रा की शादी सूरजपुर के नितिन से हुई थी, लेकिन आरोप है कि 18 जून को आकांक्षा मिश्रा बीएड की परीक्षा देने भिलाई गई थी। उसी दौरान पलामू के साजिद खान ने उसे अगवा कर लिया और फिर पलामू लाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और फिर निकाह किया। मेरी बच्ची आकांक्षा मिश्रा 18 जून को भिलाई बीएड का एग्जाम देने गई थी, वहां से बुरहा निवासी साजिद खान अपहरण करके उसको बुरहा ले आया। अंबिकापुर से जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं और उनकी पुत्री आकांक्षा मिश्रा का अपहरण बुरहा निवासी मोहम्मद साजिद के द्वारा कर के धर्म परिवर्तन कराया गया है, और इस धर्म परिवर्तन के खेल में वहां की मुखिया फिरदौस खान और उसके पति गुल खान भी शामिल हैं। आकांक्षा के पिता जितेंद्र मिश्रा को गुरहा पंचायत की मुखिया और पंचायत सचिव ने 25 जुलाई को स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा, जिसमें आकांक्षा के धर्म परिवर्तन करने और दोबारा शादी करने की जानकारी दी गई। साथ ही शादी का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले जितेंद्र मिश्रा को अपना पक्ष रखने को कहा गया, जिसके बाद जितेंद्र मिश्रा पलामू आए और पाकी विधायक से मदद की गुहार लगाई। हम जानना चाहते हैं ये मुखिया जी से और ये पंचायत सभी से कि ये देश का कौन धारा के तहत तुमको पावर मिल गया कि ऐसा नोटिस दे रहे हैं कि ऐसा तुम्हारी बेटी को, जितेंद्र मिश्रा को नोटिस है कि तुम्हारी बेटी को धर्म परिवर्तन करा लिया गया और नाम बदल दिया गया। ये पूरा कहिए कि ऐसा आप इसको पाकिस्तान समझते हैं क्या है कि मनमानी ऐसा करने काती हो गया। पूरे मामले पर पलामू एसपी ने कहा कि मामला सूरजपुर का है, ऐसे में सूरजपुर पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी, पलामू पुलिस सहयोग करेगी। एक मामला भी सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला से एक लड़की को भगा के ले आए हैं और यहाँ पे उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। ये मामला भी सामने आया है क्योंकि ये लड़की रहने वाली छत्तीसगढ़ की है और इसका मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर हुआ है सूरजपुर थाना अंतर्गत। हमारा बात हुआ है सूरजपुर एसपी से और वो वहाँ से एक टीम भेज रहे, हम लोग लड़की को इधर सपोर्ट देंगे यहाँ से, और जो आगे का कानूनी कार्रवाई होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा और उसमें जो भी सहयोग हमारे साइड से चाहिए वो पलामू पुलिस करेंगे। पिता और पति ने आकांक्षा को उन्हें सौंपने की मांग की है। आकांक्षा के पिता और पति को बीजेपी विधायक का भी समर्थन मिला है, ऐसे में उनसे इंसाफ की उम्मीद जगी है। पलामू से न्यूज़ीलैंड भारत के लिए संतोष की रिपोर्ट। तो पलामू से यह खबर है जहां धर्मांतरण पर बवाल मचा हुआ। छत्तीसगढ़ की एक महिला के पिता और पति ने यह आरोप लगाया है कि उसकी पति पत्नी की जबरन शादी दोबारा करवाई गई और धर्मांतरण कराया गया है, और इस विरोध को आवाज मिली है, साथ मिला है पाकी के विधायक शशिभूषण मेहता का, जो इस विरोध में शामिल है और उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता वो इस मामले पर बने रहेंगे। तो संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ पलामू से लाइव जुड़ रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष, बेहद गंभीर मामला है ये, धर्मांतरण का ये मामला आ रहा है। एक शादीशुदा महिला जो छत्तीसगढ़ में
रहने वाली है और वो पलामू आती है, उसकी शादी हो जाती है। अब उसके पति और पिता का यह आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और इस आरोप को साथ मिला है, इस इंसाफ की लड़ाई को साथ मिला है पाकी के विधायक का। क्या कुछ पहले मामला है, फिर हम आगे इस खबर में बढ़ेंगे। जी सर, बता दें कि ये मामला धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है पलामू जिले में। जो जानकारी मिली है वो ये है कि लड़की जो है छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और चूंकि उनके लड़की के गार्जियन माता पिता का कहना है कि लड़की जो है भिलोर गई थी बीएड की पढ़ाई के लिए और उसके बाद वहां से लापता हो गई, वापस नहीं लौटी, तो घर वालों ने सूरजपुर थाने में जो है मामला गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद जो है तहसील में ये पता चला कि तहसील में जो है किसी मुस्लिम समुदाय के लड़की के साथ वो जाके जबरन जो है उसके साथ धर्म परिवर्तन शादी करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, तो ये आरोप उस लड़की के माता पिता ने लगाया है। और उसके साथ आपको बता दें कि लड़की के माता पिता ने पाकी विधायक शशिभूषण मेहता से न्यायिक गुहार भी लगाया था, जिसके बाद जो है पूरे मामले में शशिभूषण मेहता ने न्याय को लेकर इस पर आवाज भी उठाया है। हालांकि बता दें कि पूरे मामले में पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और एसपी अमोदिया ऋषभ रमेशन ने कहा है कि बताया है कि ये जो पूरा मामला है वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की है और सूरजपुर जिले में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी और उन्होंने कहा कि ये मामला सामने आया है धर्म परिवर्तन को लेकर। तो उस मामले में एसपी महोदया ने बताया है कि सूरजपुर के एसपी से बात हुई है, वहां से एक टीम आएगी, उसके बाद वो टीम जो है पलामू पहुंचेगी, तो पलामू पुलिस की जो टीम है जो लड़का और लड़की है उसे अपने सुरक्षा दृष्टिकोण से अपने कस्टडी में रखे हुए हैं और जैसे वहां से टीम आएगी तो लड़का और लड़की को सौंप दिया जाएगा सूरजपुर जिले को। तो कुल मिलाकर बता दें कि पूरा मामला धर्म परिवर्तन से को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या रीजन था कि लड़की वहां से आई है, अपहरण हुआ है या नहीं, ये पूरी बात जो है जांच का विषय है। हालांकि पूरे मामले में इधर एक तरफ जो है शशिभूषण मेहता और अन्य हिंदू संगठन के लोगों ने इस पर विरोध जताया है और कहा है कि लड़की को घर वापसी हो और जो लड़का दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी संतोष, जिस तरह से वो महिला शादीशुदा है पहले से और झारखंड पहुंचती है या लाई जाती है, जो आरोप है कि अगवा करके लाई गई छत्तीसगढ़ से, लेकिन अभी ये पुलिसिया जांच में खुलासा हो पाएगा कि अगवा करके लाई गई है या वो खुद पहुंची है, क्योंकि भिलाई बीएड के एग्जाम को देने के लिए वो गई थी और उसके बाद से वो लापता थी। हालांकि जो जिस पर आरोप लगा है, जिस परिवार पर मुखिया के पति पर आरोप लगा है, जो तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं, क्या इससे लग रहा है पुलिसिया जांच में, हालांकि बात सामने आएगी हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है, दोबारा शादी हुई है, उसके साथ कई तस्वीरें उसकी आई है, शादी के बाद की भी तस्वीरें आई हैं, तो उस मामले को लेकर पुलिस या जिन्होंने आरोप लगाया है या पीड़ित पक्ष या जिस पर आरोप लगा है उन तमाम लोगों से बात हो पाई, क्या कुछ कहना है इन मसलों पर, इन सवालों पर? देखिए पूरे मामले तो हालांकि पुलिसिया जांच पड़ताल का मामला है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, लेकिन दूसरे पक्ष के तरफ से जो बात करें तो जो सामने आई है वो ये आई है कि लड़की अपने मन से आई है, कोई जबरदस्ती नहीं किया गया, ये बातें सुने सुनाई सी बातें फिलहाल आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है पूरे मामले में जो है पुलिस इस पे पूरे मामले पे कार्रवाई करेगी और जो है ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ जिले से सटा सूरजपुर जिले का है तो सारा मामला वहीं से होगा और यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, खुद एसपी ऋषभ रमेशन है, उन्होंने बताया है कि जितना सहयोग सूरजपुर जिले की जो पुलिस को पलामू पुलिस को करना है वो भरपूर कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ जो ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये अब ये जांच का विषय है, पुलिसिया जांच का विषय है। हालांकि एक पक्ष तो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अब फिलहाल पूरे मामले में पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि लड़की जो है पहले से शादीशुदा है, उसके बाद एग्जाम देने जब बीएड गई उसके बाद से लापता हुई है, तो पूरे बिंदुओं पर पुलिस को गहन जांच पड़ताल करेंगी, उसके बाद जो है जो सामने आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पुलिस जो है दोनों लड़का और लड़की को अपने सुरक्षित दृष्टिकोण से अपनी कस्टडी में रखे हुई है। जी विधायक की एंट्री हो गई है इसमें और कहीं ना कहीं इस मामले में तूल इसलिए भी पकड़ लिया है कि पाकी विधायक की एंट्री हो गई है,
तो किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पाकी विधायक का कहना है कि वो तब तक पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, तो क्या इस मामले का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है? संतोष, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो संपर्क टूट गया है सहयोगी संतोष से, हालांकि उनका बेहद शुक्रिया, वो तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब पुलिसिया जांच के बाद ही तमाम तथ्यों का खुलासा हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।